नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है चित्रेश सिन्हा और मैं द प्लेटेड प्रोजेक्ट का फाउंडर हूँ। मैंने आपके बगल में आपके लिए कुछ रखा है, प्लीज उसे खोल के देखिए। शार्क्स, यहाँ जो भी आता है वो हमेशा आपके लिए एक भरी हुई प्लेट लेके आता है, लेकिन आज मैं आपके लिए ये खाली प्लेट लाया हूँ। हैरान हो गए, हमारे देश में हर रोज 20 करोड़ लोग एक ऐसी खाली प्लेट देखकर भूखे सोते हैं। इनमें से काफी करोड़ तो बच्चे होते हैं, और एक ऐसे ही बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं एक दिन टैक्सी में अपने घर जा रहा था और एक सिग्नल पे मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बारिश में बैठी हुई है और गीली रोटी खा रही है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज भी हमारे देश में भूख एक इतनी गंभीर समस्या क्यों है। काफी रिसर्च की और इतना पता पड़ गया कि अगर भूख को खत्म करना है तो पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच को बदलना। मुझे बचपन से आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने सोचा क्यों ना मजेदार आर्ट और क्रिएटिविटी से इस सीरियस टॉपिक को टोटली रीइन्वेंट किया है। बस वहीं से शुरुआत हुई द प्लेटेड प्रोजेक्ट की। वी हैव डेकोर एज अ कैटेगरी, इसमें आप खा नहीं सकते। देयर इज अ सेकंड कैटेगरी व्हिच इज डिनर वेयर, ये सारी प्लेट्स आप माइक्रोवेव में डाल सकते हो, डिशवॉशर सेफ है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी गिफ्टिंग की तरह लॉन्च की है, जैसे कि ये कैंडल। हम दुनिया भर के आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी सुंदर और एक्सक्लूसिव आर्ट प्लेट्स बनाते हैं, और हर प्लेट की सेल पर हम अपनी तरफ से 10 खाली प्लेट्स भरते हैं। हमारी शुरुआत 1.5 साल पहले ही हुई है, लेकिन ऑलरेडी हम 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। आज तक हमने 5,50,000 खाली थालियां खाने से भरी। मेरा सपना है कि 2025 तक इस नंबर को 25 लाख तक ले जाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि एक छोटी सी कोशिश से कुछ बड़ा हो सकता है। आई एम हियर टू ऑफर यू 2% ऑफ द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर 75 लाख। तो शार्क्स, लेट्स एंड हंगर वन प्लेट एट अ टाइम। हाय चित्रेश। हाय सर। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छा कॉज आपने पकड़ा है, आई थिंक काफी क्लोज है मेरे हार्ट से भी ये। आई नो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, उससे शुरू करते हैं। मेरी पैदाइश गोवा में हुई। वाओ। बट पिछले 15 साल से मैं मुंबई में ही रहता हूँ। अच्छा। मिडिल क्लास फैमिली में था, तो लाइक ऑल मिडिल क्लास चिल्ड्रन पहले इंजीनियर बना, फिर रियलाइज किया कि लाइफ में करना क्या है। फिर मैंने MBA किया, मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट था मेरा, और पिछले करीबन 12 साल से मैं ब्रांड स्ट्रेटजी रोल्स में काम कर चुका हूँ। तो ये ब्रांड स्ट्रेटजी आइडिया है या आपको कुछ, मतलब ये जो आप कर रहे हैं, ये आपको लगता है अगर ऐसा करेंगे तो ब्रांड बड़ा बन जाएगा, या व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस? हमारा ब्रांड इम्पैक्ट के बेसिस पे बिल्ड किया जा रहा है। इम्पैक्ट इज द कोर, पर एट द एंड ऑफ द डे सर, इट इज अ फॉर प्रॉफिट ब्रांड, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो दोनों साथ में करना है। आपने जब स्टार्ट किया तो पहले पर्पस से स्टार्ट किया या बिजनेस से स्टार्ट किया? उस समय जब ये आइडिया आया, हम लोग आर्टिस्ट के साथ कुछ करना चाहते थे। वी वर थिंकिंग अबाउट, सो आर्टिस्ट वाज फर्स्ट, आर्ट एंड आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग एक एजेंसी में काम करते थे, काफी आर्टिस्ट के साथ मिलते थे, देखते थे, और उन लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं था। नहीं तो आपने आर्टिस्ट की नीड से स्टार्ट किया, वो और ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा। एक जगह आप कहते हो कि बच्चों को खिलाने का पर्पस था, वो तो है, दूसरी जगह आप कहते हो नहीं नहीं सॉरी जेनेसिस है कि आर्टिस्ट के लिए कुछ करना था। करेक्ट। आपका रियल मोटिवेशन क्या? तो सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही है, आप क्या करना चाहते हो? फॉर प्रॉफिट बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा कोर बिजनेस है ये,
We are not in the business of cooking meals, serving them. We don't have the logistics for that. That is the reason we stay out of it, but we support organization. We only partner with reputed organizations right now. Hum apne aap khana nahi de rahe. That's why we call it sponsoring meals. तो आप कितने पैसे देते हैं उनको? करीबन 150 से 200 रुपए ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट पे हम लोग हंगर के लिए। प्रोडक्ट देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट? सर ये आपके लिए। वेरी गुड। थैंक यू। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्लेट? सो दिस प्लेट विल गो फॉर अबाउट 2499 विद एनग्रेविंग। Without engraving, it is 219. बहुत सुंदर प्लेट है. Why is it 2,500 rupees? Because वो एक टर्न ऑफ हो जाता है. Actually, इतना महंगा नहीं है मैम. अगर आप आज अपने घर के लिए एक डिजिटल प्रिंट लेना चाहें और उसमें एक वुडन फ्रेम वगैरह लगाएं, आई कैन बेट यू मैम कि वो 1800 से ही शुरू होता है. लेकिन 1.5 साल में सिर्फ 30,000 प्रोडक्ट्स की हुई. हाँ, तो हमने शुरुआत की थी एक सिंगल प्रोडक्ट और एक सिंगल कैटेगरी से, बट 8-9 महीने पहले आई थिंक हमने रियलाइज किया कि इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एंड देन पूरी टीम जो बनी वो काफी सीरियसली इसको पुश कर रही है. तो शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन लास्ट मंथ हम लोगों ने 40 लाख पे अपना मंथ क्लोज किया है. नेट रेवेन्यू की सेल्स? द सेल्स रेवेन्यू. प्रॉफिट कितना था? ऑन एन एवरेज हम लोग का एबिटा फॉर द लास्ट ईयर वाज 15%, सर. बट लास्ट मंथ यू मेड 6 लाख. हमारा करीबन 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था आफ्टर ऑल कॉस्ट डिडक्टेड. वेरी नाइस. चित्रेश, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 40 लाख का सेल्स मिक्स क्या है. सेकंडली, 3 साल में आपका क्या सेल्स होगा? वो सेल्स का विजन क्या है? ग्रोथ कौन से एरिया से आएगा? करंटली हमारा 90-10 स्प्लिट है. 90% डेकोर, 10% is dinnerware, और candles वगैरह तो it's marginal, so that's why I've clubbed it in 10. इस साल जो 10 crores का हम लोग goal करेंगे, उसमें we're going to make it 70% decor, 20% dinnerware, and 10% will be candles and other gifting items. उसके अगले साल जो 40 crores का हम लोग goal रखा हुआ है, उसमें 50% will be decor, dinnerware will increase proportionately, और बाकी चीजें विल बी द स्पेशल आइटम्स जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. दैट इज द प्लान करंटली जो 3 साल का हमने आउटलाइन किया है. 2025 तक 100 करोड़ का ब्रांड खड़ा करना. तो न्यू लॉन्चेस से आपका ग्रोथ आएगा? करेक्ट. डेकोर को छोड़ के जो भी आप देख रहे हो उसको लॉन्च किए खाली 2 महीने हुए हैं. Oh, और ऑलरेडी okay. पहले महीने में 10% ऑफ आवर सेल्स केम फ्रॉम द डिनरवेयर रेंज. मिडिल ईस्ट इज अ ह्यूज मार्केट फॉर अस. पिछले साल 0 मार्केटिंग के साथ हम लोगों का 10% टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू आया था इंटरनेशनल मार्केट से. तो 10 क्रोर्स वी आर इजीली गोइंग टू डू दिस टाइम. चित्रेश, मुझे थोड़ा सा ना चैलेंज आ रहा है इसकी डिफेंसिबिलिटी में. हंगर वाला जो आपने बात करी ना, मुझे उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है कि हो पा रहा है. बिकॉज जो लोग ये खरीद रहे हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है. तो एक टाइम के बाद आने के बाद ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा. तो यार मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि आपका मकसद बहुत पावरफुल है, ठीक है. लेकिन यहाँ बैठे हैं हम सिर्फ उसके लिए नहीं. ऑफ कोर्स, नॉट फॉर चैरिटी. वी आर हियर टू मेक अ रिटर्न. करेक्ट. मैं पैसे कैसे बनाऊंगा इसमें ये मुझे समझाइए. क्या आप बहुत वीसी पैसे उठाएंगे? ये मेरे लिए खाली एक क्विक एग्जिट टाइप का बिजनेस नहीं है सर. मेरी लाइफ का गोल है ये. तो सस्टेनेबली ग्रो करना है सर. वीसी मनी तभी उठाएंगे जब सच में जरूरत पड़ेगी और आपकी गाइडेंस के साथ. आज तक हम लोगों ने किसी से कोई भी सीड फंडिंग या कुछ भी नहीं उठाया. आई ओन 100% ऑफ द कंपनी. सस्टेनेबली यहाँ तक खड़ा किया सर. थैंक यू. क्योंकि आपका मकसद मुझे पसंद है, आप मेहनत भी बहुत करोगे. मुझे लगता है मुकद्दर भी आपका साथ देगा. मैं आपको एक ऑफर करता हूँ. 5% फॉर द अमाउंट यू आस्क फॉर 75 लाख. दैट्स माय फाइनल ऑफर, नो नेगोशिएशन. तो अनुपम ने आपको वैल्यूएशन दिया 15 करोड़ का. आपकी आस्क थी 37.5 करोड़. करेक्ट. तो मुझे ट्रस्ट है कि आप ये साल 10 करोड़ का सेल्स करेंगे और फिर 25 और 40 कर पाएंगे.
तो उस ट्रस्ट के बेसिस पे मैं आपको 30 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, बट अलग स्प्लिट। 30 लाख फॉर 1% एंड बैलेंस 45 लाख इन डेट। डेट इज नॉर्मल 12%। ये है मेरा ऑफर। चित्रेश, फर्स्टली आपका जो बिजनेस है ये एक यू नो पर्पस ड्रिवन ब्रांड का बिजनेस है। आपका फोकस D2C है, आपको जरूरत है पार्टनर्स की जो ब्रांड समझते हैं, तो इसलिए आई डोंट थिंक आपको बेटर कॉम्बिनेशन मिल सकता है देन अमन एंड आई। जो वैल्यूएशन अनुपम ने दिया है हम उसी वैल्यूएशन को मैच करना चाहते हैं। याद रखना पहले किसने ऑफर दिया था, कौन कॉपी कर रहा है मेरा। तो आप डिसाइड करिए फटाफट से, क्योंकि ऑफर निकल जाते हैं यहाँ पे। फिर गुड न्यूज ये है कि आप खाली प्लेट नहीं जाओगे, आज आपकी प्लेट भर के जाने वाली है। लेट्स सेलिब्रेट दैट। वेल डन। या वेल डन। सो आई वुड नॉट वांट टू स्टेप आउट एंड कम बैक एंड हैव द ऑफिस चेंज। विदाउट एनी डाउट नमिता मैम, आई वांट यू टू बी देयर विद अस। सो आई वांट दैट फॉर श्योर। मतलब हमारे लिए संकोच है? नहीं नहीं, संकोच नहीं सर। हम चल जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप तीनों भी मिलके आ सकते हो, आई वुड लव टू हैव ऑल फोर ऑफ यू बिकॉज़ द सिनर्जीज दैट एग्जिस्ट। बताइए ना, काउंटर ऑफर बताइए, नंबर्स बताइए। सो अगर आप रिमेनिंग 4% जो है, लेट्स कीप इट एट 5% जो आप कह रहे हैं, बट अगर आप 30 करोड़ का वैल्यूएशन मैच कर सकते हो, हाउ देन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी 75 लाख टू 1.5 करोड़। आई एम ओपन टू दैट। नहीं, अगर हम चाह रहेंगे ना तो वैल्यूएशन थोड़ी कम कर लेंगे। What is it that you have in mind, sir? अगर हम चार आए और आपको हमने बताया कि 20 करोड़ का वैल्यूएशन पे चार लोग आएंगे, 80 लाख टोटल डालेंगे, मतलब 20 लाख ईच पर्सन। नहीं, आई एम आउट ऑफ दैट। 1% में कुछ आप नहीं। फाइनल बताओ, इन आउट। तीन को आप ले लो। ठीक है, हम तीन आते हैं। सो लास्ट ऑफर। अगर हमें तीनों को साथ में आना है तो आपकी प्लेट में यही ऑफर है, 3.75%, 75 लाख। 20 करोड़ वैल्यूएशन, थ्री ऑफ अस, सच्ची है कहानी है, मान जा मेरी जान। 25 करोड़ हाँ या ना, हम तीनों जा रहे हैं और तीन लोग आ रहे हैं, तीन चाक, तू छोटी बात कर रहे हैं। इसी से हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है, तेरे को पता है फिर। ओके शाक्स, डील पक्के। थैंक यू अनुपम जी, प्रोड्यूसर, थैंक यू फॉर ऑल द इनपुट्स। Very good. Good decision. Thank you, ma'am. I'm sure बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। 100%. Thank you.